हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे, खास तौर से WH क्वेश्चन वाले वर्ड्स। दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सेंटेंस के बीच में क्या है, यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर क्यों है, तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश आप लिखेंगे, यानी कि WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे What, when, where, why, who, और दोस्तों एक how भी होता है। उसके बाद आप shall will लगा देंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि I will के साथ shall लगता है, हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में will का भी यूज होता है, तो आप सिर्फ will पर भी ध्यान देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि सेंटेंस में नहीं रहता है तो आप यहाँ पर not लिख देंगे, यानी कि दोस्तों be से पहले not आएगा। और यहाँ पर आप शॉर्टकट में won't का भी यूज कर सकते हैं, तब यहाँ पर नॉट देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म, क्योंकि दोस्तों यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। और यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप लिख देंगे, जैसे दोस्तों यहाँ पर है आप कल क्या कर रहे होंगे, यानी कि दोस्तों यह घटना भविष्य में होगी और काम जारी रहेगा। तो यहाँ पर है आप कल क्या कर रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे। दोस्तों यही क्या जब शुरू में रहता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले करते हैं, लेकिन जब क्या सेंटेंस के बीच में रहता है यानी कि सब्जेक्ट के बाद रहता है तो हमेशा व्हाट लिखते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट, इसके बाद विल, दोस्तों इसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू, फिर बी, और करना का डू होता है तो यहाँ पर डूइंग हो जाएगा। व्हाट विल यू बी डूइंग, और कल यानी कि आने वाला कल, यहां पर टुमारो लिखेंगे। व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, वे लोग कल सुबह कहां जा रहे होंगे, तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन वर्ड है कहां, तो यहां पर लिखेंगे वेयर, इसके बाद लिखेंगे विल, दे बी गोइंग टुमारो। Where will they be going tomorrow? वह क्यों रो रही होगी, तो यहाँ पर है क्यों, तो यहाँ पर लिखेंगे why will she be weeping? Why will she be weeping? वह कैसे एक गाना गा रहा होगा, दोस्तों यहाँ पर है कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे how will he be singing a song? How will he be singing a song? दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग कब जा रहे होंगे, तो यहां पर कब के लिए लिखेंगे when। हम लोग है, आप शैल का भी यूज कर सकते हैं, आप will का भी यूज कर सकते हैं। When shall we be going? When shall we be going? सीता क्यों हंस रही होगी, तो यहां पर है क्यों, यहां पर लिखेंगे why? Why will सीता be laughing? Why will सीता be laughing? शिक्षक क्या पढ़ा रहे होंगे, तो यहां पर लिखेंगे व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग। व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग, कौन पढ़ा रहे होंगे, तो दोस्तों यहां पर कौन ही सब्जेक्ट है, तो यहां पर लिखेंगे हु will be teaching, who will be teaching? वह आपका इंतजार क्यों कर रहा होगा, तो यहां पर है क्यों, यहां पर लिखेंगे why will he be waiting
फॉर यू, वाई विल ही बी वेटिंग फॉर यू, कल आप क्या खा रहे होंगे, तो यहां पर है क्या, यहां पर लिखेंगे वॉट विल यू बी ईटिंग टुमोरो, वॉट विल यू बी ईटिंग टुमोरो। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, कल तुम क्या कर रहे होगे, तो यहां पर क्या के लिए वॉट लिखेंगे, कल के लिए टुमोरो लिखेंगे, तो बिल्कुल इजी है, आप लोग अपना आंसर जरूर लिखेंगे। दोस्तों आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में टेंस का प्लेलिस्ट और मॉडल वर्ब्स का प्लेलिस्ट नज़र आ रहा होगा, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।